कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता कर पीएम मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा और कहा कि आर्मी नरेंद्र मोदी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। सेना के स्ट्राइक को वीडियो गेम बताकर पीएम मोदी सेना को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सेना किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की होती है। राहुल गांधी ने चुनाव खत्म होने से पहले पीएम मोदी से कम एक प्रेस वार्ता करने की मांग की। राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी से 10 मिनट बहस करने को चुनौती दी। जी हाँ, एक बार फिर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी में अगर दम है तो 10 मिनट मेरे साथ डिबेट कर ले, और साथ ये भी कहा कि चुनाव में किसान, रोजगार और पीएम का भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है, और कहा कि भाजपा का ये चुनाव पूरी तरह से हारना तय है और मोदी जी रोजगार के बारे में बात तक नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई प्लान ही नहीं है। राहुल गांधी ने पीएम पर यह भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी का पूरा ध्यान काम पर भटकाने पर रहता है। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह डैमेज किया। नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, आप किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछ लीजिए, किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, आपको बताएगा। मेरी किसी से बात हो रही थी, छोटे व्यापारी से बात हो रही थी, उसने मुझे कहा मेरी आंख से आंसू भी निकल रहे, मेरे आंख से खून निकल रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने मेरे खिलाफ किया है। नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स का जो इफेक्ट है उसको मिटाने का तरीका नोटबंदी है। नरेंद्र मोदी जी ने रिमोनेटाइज किया, न्याय योजना रिमोनेटाइज करने का तरीका। जैसे ही न्याय योजना का पैसा आएगा लोग खरीदना शुरू करेंगे, जैसे खरीदना शुरू करेंगे दुकानें चालू होंगी, फैक्ट्रियां चालू होंगी, रोजगार मिलेगा। किसको मिलेगा? मिडिल क्लास के लोगों को, पहली बात। दूसरी बात, हमने एक ऐतिहासिक काम किया है। मिडिल क्लास का कोई भी युवा अगर बिजनेस खोलना चाहता है हिंदुस्तान में कहीं भी, उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत है। 3 साल बिना परमिशन आप काम कीजिए, बिजनेस चलाइए, बिजनेस खोलिए, 3 साल बाद आप सरकार के पास आइए, कहिए भैया हम 3 साल से बिजनेस चला रहे हैं, 20-30 लोगों को हमने रोजगार दिया, अब आप हमें परमिशन।